अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो आप सभी के लिए और एक वीडियो लेकर हाजिर आए हो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ओरिजिनल नात पाक से हमें जिक्र कैसे निकालना है। अभी आपने सुना होगा, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे कि ये कलाम है, इस कलाम को सुन लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ये पूरा कलाम है जो मैंने आधा कलाम को डिलीट मार दिया, वो जो थोड़ा सा ये पार्ट है इसे भी मैं डिलीट करूँगा और इसमें आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से इसके अंदर हमें जिक्र बनाना है। जो ये आका आका का जिक्र है, तो हमें पूरी ट्रैक किस तरीके से बनानी है, तो देखते रहिए आखिर तक इस वीडियो को। ऑडेसिटी के अंदर, फ्री सॉफ्टवेयर के अंदर हम जिक्र किस तरीके से बनाते हैं, यानी कि ओरिजिनल कलाम का जिक्र। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये समझिए कि कोई ताहिर कादरी साहब के अगर ये कलाम है, तो ताहिर कादरी साहब के कलाम में से हमें जिक्र कैसे निकालना है। तो एक चीज़ को आप याद रखें, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये जो पोशन है, इतना कलाम के अंदर एक्स्ट्रा दिया हुआ है। जो जिक्र है, उसका बैकग्राउंड जिक्र है, वो कलाम के अंदर ऑलरेडी एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो हमें उसी को काट के कॉपी पेस्ट करना है, बस इतना ही करना है। लेकिन किस तरीके से करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ, पहले हम सुन लेते हैं। ठीक है, इतना ही पोशन है जिसे हमें पूरी ट्रैक बनाना है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, इतना ही पोशन है जिससे हमें पूरा ट्रैक बनाना है। अब बहुत सारे लोगों को ये चीज़ आती होंगी और बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ नवी होंगी, तो जिनके लिए नवी है या जिनके लिए जिन्हें आता है वो भी देख ले। और सबसे पहले, सिखाने से पहले किस तरीके से क्या करना है आपको, सिखाने से पहले आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने के बाद वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और पिछले एक महीने में या पिछले दो महीने के अंदर जो मेरे व्यूज़ थोड़े से कम हो चुके हैं, इस वजह से क्योंकि मैं कंटिन्यूस वीडियोस नहीं डाल पा रहा, तो इंशाल्लाह भी आप लोगों के लिए कंटिन्यूस वीडियोस बहुत सारे आएंगे। ये एक छोटी सी चीज़, जो लोग जिक्र के लिए परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो लोग ऑडेसिटी के अंदर जिक्र कैसे बना सकते हैं, किसे किस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। और एक बात, लोग ये समझेंगे कि मैं अगर ये जिक्र निकालता हूँ तो क्या मुझे कॉपी पेस्ट आएगा, तो कॉपी स्ट्राइक आएगा या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक जो भी यूट्यूब वाले देंगे, तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसकी वजह ये कि जब हम सिर्फ पार्ट, थोड़े से पार्ट को हम कॉपी पेस्ट करके जिक्र बनाएंगे, ठीक है, जब हम उसके ऊपर कलाम रिकॉर्ड करेंगे, तो रिकॉर्ड करने में जब हम मिक्सिंग मास्टरिंग करेंगे, तो उसमें वो चीज़ थोड़ी पूरी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो आप ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको इससे कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपी पेस्ट जो भी आप कहते हैं इसे, जिसे स्ट्राइक आना, कॉपीराइट स्ट्राइक आना, तो सब इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से हमें इसे एडिट करना है। ओके, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल है, सिर्फ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले सुन लेना है कि कितना पार्ट हमें लेना है। ठीक है, ठीक है, बस हमें इतना पार्ट लेना है, बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा किस तरीके से मुझे इतना पार्ट नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं इस कलाम के इतने पार्ट को कट कर देता हूँ। अब थोड़ा सा जूम कर लो इस चीज़ को, मैं जूम करके हम देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने जूम किया। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है वो देखिए, हमें सिर्फ इसके इस तरीके से जूम करके जो इसका ये मिड पॉइंट है, देखिए यहाँ से, ठीक है, इसको मीट को पकड़ना है हमें इस तरीके से, और इसे लेके जाना है यहाँ तक, इसे करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद इस तरीके से बस हमें बाजू में पेस्ट करते चले जाना है। इस तरीके से पेस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसके पेस्ट को इस तरीके से मिला दें। मिलाने के बाद हमें एक बार सुन लेना है। ठीक है, ये प्रॉपर वे में आ रही है इसकी आवाज़, तो हमें इसके ऊपर इस तरीके से बस क्लिक करना है लाइन के ऊपर। ये देखिए, ये ट्रैक की शक्ल में आ गई पूरी, देख सकते हो आप। फिर हमें इसी तरीके से जब हम इसे कर ले, तो हमें इसे कॉपी करना है, फिर इसे पेस्ट करना है इस तरीके से। और इसे कॉपी पेस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, सेम वही जिस तरीके से हमने सिंगल में किया था। ठीक है,
इस तरीके से। अब हम देख सकते हैं मेरा आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप पूरे ट्रैक जितने मिनट का मतलब आपके कलाम में पाक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कलाम 10 मिनट का है 20 मिनट का है तो आप ये कंटिन्यू करके पूरा 20 मिनट तक लेके जा सकते हैं। एक सिंपल तरीका है जिक्र के बैकग्राउंड जिक्र को बनाने का, यानी कि दूसरे के कलाम से जिक्र को लेने का, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वही कलाम को अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो सेम कलाम को, तो आप ये सेम जिक्र को यूज़ कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। अभी मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ रिकॉर्ड करके बता देता हूँ किस तरीके से रिकॉर्ड होता है, चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड करके देखते हैं अब कौन सा कलाम इसके ऊपर। अब मुझे तो कलाम जो कलाम है पूरा कलाम भी सुना नहीं मैंने, इसलिए आपको सिखाने के लिए कलाम को निकाला था, तो मुझे पता भी नहीं है कौन सा कलाम है, ठीक है। इसके ऊपर हम देखते हैं कोई कलाम अगर बैठ जाए। ठीक है, मैंने ऐसे मुझे पता नहीं कौन सा कलाम बैठेगा इसके ऊपर, बस आपको से बताने के लिए सिखाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बस इसी तरीके से फिर आपको इसके अंदर जो मिक्सिंग मास्टरिंग आपकी होंगी वो मिक्सिंग मास्टरिंग आपको किस तरीके से करना है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके वॉइस के हिसाब से आपको बैकग्राउंड के जिक्र को जो मिक्सिंग मास्टरिंग करनी है और कितना लेवल आपको बैकग्राउंड का रखना है जो भी आपको, वो आपको मिक्सिंग मास्टरिंग में समझ में आ जाएगा। बस इसी तरीके से ये सिंपल वे है कि हम किसी भी कलाम के बैकग्राउंड जिक्र को किस तरीके से एक ओरिजिनल जिक्र एक जिक्र ट्रैक में किस तरीके से बना सकते हैं, तो ये सिंपल वे है। तो आई होप कि आप लोग सीख गए होंगे, और जितने लोग सीख चुके हैं किस तरीके से बनाना है तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर किसी को कोई सॉफ्टवेयर वगैरह चाहिए, सॉफ्टवेयर वगैरह परचेस करना है या VST वगैरह परचेस करना है कोई भी, तो वो मुझे कमेंट में कह सकता है या फिर मेरे इंस्टाग्राम ID पे मुझे फॉलो कर सकता है, इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कर सकता है। तो जिन्हें भी जो भी क्वेश्चन है अगर क्वेश्चन है तो वो भी इंस्टाग्राम पे आके मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ID पे मैं आपको बता दूंगा, जिसमें आपको मेरे इंस्टाग्राम के ID मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इंशाल्लाह। तो वहाँ पर जाके भी मुझे आप कमेंट करें, पूछे जो कुछ आपको समझा, जो कुछ आपको नहीं समझा, ठीक है। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।